नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप किस जगह से कमेंट कर रहे हैं हमें उस जगह का नाम लिख करके कमेंट में भेजिएगा। और हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो सभी लोगों के घर में बनाई जाती है, बस इसका तरीका अलग अलग होता है। तो आज मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में, जिस तरह से हमारे गांव में इस रेसिपी को बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हम आ गए हैं खेतों में। यहाँ मैंने मटर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें सरसों भी है और जगह जगह हमने इसमें मटर लगाया हुआ है। तो तोड़ करके ले लेंगे मटर को। तो मटर की बहुत सारी रेसिपी लोग बनाते हैं, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और अक्सर सभी के घरों में बनाई जाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर का निमोना, और बिल्कुल देसी तरीके से बनाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे हमने गोल्डन मटर लगाई हुई थी, तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये फरा हुआ है, लेकिन घास से ये ढक चुका है। तो इसको उठा उठा कर मैं यहाँ पे देखिए मटर को तोड़ रही हूँ। तो जरूरत के हिसाब से हमने मटर को ले लिया है। अब चलते हैं घर की तरफ और बनाएंगे रेसिपी। तो ये देखिए मटर को लेकर हम घर आ गए हैं, और ये देखिए इसमें से जो दाने हैं वो हम निकाल लेते हैं। ताजे मटर की बात ही अलग होती है, बिल्कुल बढ़िया लगता है खाने में भी, और तुरंत का मटर जो खेत में से आता है उसका स्वाद भी अलग होता है। हमारे किसान भाइयों के लिए एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके इन सब्जियों को बचाते हैं, तभी ये मार्केट में बिकने जाता है, क्योंकि इसे चिड़िया और जानवर बहुत ही मात्रा में इसको खा जाते हैं, तो वो दिन रात रखवाली करते हैं दोस्तों। तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। तो यहाँ हमने मटर को छील लिया है। तो यहाँ मटर के दानों को हमने छील करके उसको धो लिया है। तो यहाँ सिलबट्टे पे हम इसको रख लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको रख करके पीसेंगे हम। तो यहाँ मैं मटर को दरदरा सा पीस करके तैयार करूँगी, क्योंकि जो गांव में निमोना बनाया जाता है वो मटर को दरदरा ही पीसा जाता है, एकदम महीन नहीं पीसते हैं। तो यदि आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो उसको हल्का सा दरदरा ही रहने दीजिएगा। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा सिलबट्टे पे मटर को रखते जाएंगे, क्योंकि मटर ये दाने इसके सरकते हैं, तो थोड़ा ही थोड़ा रख करके हम इसको पीसेंगे। तो इसी तरह सारे मटर को हम पीस करके रख लेंगे। थोड़ा सा मटर हम बचा करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मटर को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पीस करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको मटर को उठा लेते हैं सिलबट्टे पे से। हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। तो चटनी के लिए ये देखिए हमने यहाँ पे लहसुन की पत्तियाँ ले रखी हैं और धनिया की पत्तियाँ ले रखी हैं। तो सीधे हम इसको सिलबट्टे पे ही काट लेंगे, तो पीसने में आसानी होगा। तो निमोना में इस चटनी को जरूर पीसिएगा, तभी आपका निमोना बहुत बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो इसको भी हम बहुत ही महीन सा पीस करके तैयार करेंगे। ये देखिए सूखा धनिया हमने थोड़ा सा ले रखा है और थोड़ा सा ही गरम मसाला ले रखा है, तो इसको स्पाइसी बनाने के लिए ये जरूर डालिएगा। और सिलबट्टे पे हमने लाल मिर्च और हरी मिर्च भी रख ली है अपने तीखे के हिसाब से, आपको जैसा तीखा खाना हो वैसा आप मिर्च ले सकते हैं। तो पानी डाल करके इसको भी हम पीस लेंगे। तो यहाँ हमने सारे मसाले को पीस करके तैयार कर लिया है, इसको उठा लेते हैं हम कटोरी में। तो यहाँ हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में अब डालेंगे सरसों का तेल और इसे गरम कर लेंगे। यहाँ तड़के के लिए हमने लिया हुआ है तेज पत्ता, जीरा, 5-6 काली मिर्च और एक लाल मिर्च ले रखी है, तो इसको हम डाल देंगे तड़के में। तो यहाँ जैसे ही तड़का चटक जाए तो यहाँ पे हमने हींग ले रखी है 2 चुटकी, इसको डाल देंगे। हींग जरूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी का। तो यहाँ हमारा तड़का एकदम चटक चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे पीसी हुई मटर। तो मटर को डाल करके इसको बहुत अच्छे से हम यहाँ पे भूनेंगे। मटर जितना ही अच्छे से आप भूनेंगे उतना ही अच्छा आपका निमोना बन करके तैयार होगा। तो यहाँ मटर को भूनते समय हमें आंच को मीडियम रखना है। ये देखिए हम आपको आलू दिखा देते हैं। तो 3 आलू को हमने यहाँ पे काटा हुआ है, और ये देखिए 1 आलू में हमने 4 टुकड़े करे हुए हैं। तो इसी तरह से निमोने का जो आलू है वो काटा जाता है, तो इसी से टेस्टी बनता है निमोना और देखने में भी बढ़िया लगता है। तो
तो यहाँ हमने मटर को भून लिया है, तो इसमें डाल देते हैं आलूओं को भी, और थोड़ी देर के लिए आलू को भी हम भून लेंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। यदि आपको नमक इस समय न समझ में आया तो आप पूरी सब्जी बनाने के बाद लास्ट में नमक डालिएगा। तो नमक डालने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से चला देंगे और थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे दोनों ही चीज़ों को। ये देखिए आलू और मटर को हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया है, तो अब इसमें डाल देंगे हल्दी। तो हल्दी हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि ये सब्जी हरी हरी ही अच्छी लगती है। तो अब हम इसमें पीसे हुए मसाले डाल देते हैं। मसालों को डालने के बाद इसमें हम एक कटोरी पानी डाल देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे मसालों को भी पकाएंगे। तो ये देखिए इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ी सी मटर साबुत। साबुत मटर इसमें आप डालेंगे तो ये देखने में और भी बढ़िया लगने लगती है ये सब्जी। तो यहाँ पे हम सारी चीजों को मिला करके अभी हम मसालों को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए सब्जी यहाँ पे पकने लगी है और बहुत अच्छे से हम यहाँ पे धीमे धीमे आंच पे मसालों को पका रहे हैं। तो थोड़ा सा हम चला देते हैं इसको। तो यहाँ मसाले को हमने 1-2 मिनट के लिए ही बस पकाया हुआ है। तो अब हम इसमें आप पानी डाल देंगे आवश्यकता के अनुसार। तो जितना आपको जरूरत है उतना ही आप पानी डालिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सब्जी में 2 कटोरी यहाँ पे पानी डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पे जब सब्जी पक करके तैयार होगी तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ हम ढक देते हैं और ढक करके मीडियम आंच पर यहाँ पे सब्जी को हम पकाएंगे। तो यहाँ सब्जी में उबाल आने लगा है क्योंकि इसमें से भाप भी निकलने लगी है बहुत अच्छे से। तो अभी हम सब्जी को ढककर ही पकाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम थाली हटाकर देखते हैं कि कितनी सब्जी हमारी पक करके तैयार हुई है। ये देखिए सब्जी में बहुत अच्छे से उबाल आने लगा है। अभी हम सब्जी को थोड़ी देर धीमे धीमे आंच पे और पकाएंगे क्योंकि इसके आलू को भी बहुत अच्छे से पक जाना चाहिए, तभी हमारी सब्जी बहुत अच्छे से बन करके तैयार होगी। ये देखिए आलू भी कट जा रहे हैं लेकिन इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो ये देखिए हमने सब्जी को 1-2 मिनट के लिए और पकाया है। इसके ऊपर इस तरह से लेयर बन जानी चाहिए तभी आपकी सब्जी बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी और टेस्टी भी। तो ये देखिए हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो चुकी है। तो चूल्हे से हम इसको नीचे उतार देते हैं और आपको दिखाते हैं ये सब्जी कैसी बनी है। तो ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता डाल देते हैं। आपको हम यहाँ पे प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए काफी एकदम बेहतरीन सब्जी बन करके निमोना हमारा बन करके तैयार हुआ है। जिस तरह से एकदम देसी स्टाइल में बनाते हैं उसी तरह से हमने आपको बना करके दिखाया हुआ है। तो हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।